सो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हो आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, हर किसी के लिए, मैन हो वुमेन है, सबके लिए सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। बिकॉज हम लोग आए दिन किसी न किसी काम से बाहर निकलते ही हैं, तो उसके लिए हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी स्किन की बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो मैं आज सनस्क्रीन का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि गुड वाइब्स की सनस्क्रीन। तो जल्दी से वीडियो में जंप करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो आप लोगों का क्या रिव्यू ये भी बताइएगा। और तो चलिए मैं रिव्यू बता देती हूँ आज मैं किस सनस्क्रीन की बात कर रही हूँ, जो कि है गुड वाइब्स की सनस्क्रीन। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर आप कह सकते हैं, सब लोग इसे प्रमोट करते हैं। तो मैंने ट्राई किया है गुड वाइब्स का सनस्क्रीन, जो कि अगेन मैंने इससे बहुत 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 पहले मैंने एक सनस्क्रीन का रिव्यू किया था जो कि था लैक्टोकैलामाइन का सनस्क्रीन था। वो भी काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है, मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। और मैंने इसे परचेज़ किया और मैं इसे 1 वीक से ज़्यादा इसे यूज़ कर चुकी हूँ। तो इसका रिव्यू मैं आज देने वाली हूँ आप लोगों को कि मेरा क्या थिंक है इसे लेकर। तो चलिए इसका रिव्यू कर लेते हैं। सो गाइज, ये जो है गुड वाइब्स की तरफ से है, आप इसे देख सकते हैं, गुड वाइब्स का लोगो लगा है यहाँ पर, गुड वाइब्स की सनस्क्रीन है। और ये जो सनस्क्रीन है मेरे पास, ये है SPF 30 PA++++, मतलब SPF 30 और PA है, प्लस 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 भी है, तो काफ़ी अच्छा वर्क करेगा आपकी स्किन के लिए। और उसके साथ साथ इसमें दिया हुआ है कि आपकी स्किन को सन बर्न से भी बचाएगा। और इसकी जो मेन इन्ग्रीडियंट्स है वो है गुडनेस ऑफ एलोवेरा जेल, ग्रीन टी, कुकुम्बर, जोजोबा एक्टिवेट, मतलब ये सारे इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी स्किन के लिए। बिकॉज मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारी डेली लाइफ में सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बिकॉज हम काफ़ी लोग 90% लोग हम बाहर जाते हैं वो टाइम पर जाते हैं जो सुबह ऑफिस के लिए जा रहे हैं या किसी काम के लिए जा रहे हैं, किसी भी तरीके का काम के लिए हम बाहर जा सकते हैं, तो मोस्टली जो है दिन में ही सारे काम होते हैं। तो आप सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी स्किन को एंटी एजिंग से, झुर्रियों से, या आप कह सकते हैं आपकी स्किन को लटकने से, या आपकी स्किन में एक अलग तरीके का ग्लो प्रोवाइड करती है, मतलब आपकी स्किन को सन बर्न से बचाती है, जिससे कि डायरेक्ट आपकी स्किन पर जो सन यूवी रेज जो होती है, जो डायरेक्ट आपके फेस पर लगती है, उससे डैमेज होने के लिए आपकी स्किन को सनस्क्रीन प्रिपेयर करती है, सनस्क्रीन बचाती है। तो सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, आप किसी भी तरीके का मेकअप कर ले, सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आप घर में भी होते हैं तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा तो घर में है क्यों सनस्क्रीन लगाना, प्लीज़ घर में भी लगाइए सनस्क्रीन, बिकॉज हमारी धूप की किरणें हमारे घर में भी आती है। हम लेडीज़ होती हैं जो कि खाना भी बनाती हैं, तो हमारे गैस की भी जो आप कह सकते हैं गर्मी जो है तो हमारे फेस पर आती है। तो इसलिए हमें घर में अगर है हम जिस दिन हमें उस दिन भी सनस्क्रीन लगाना है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि घर में है तो सनस्क्रीन ना लगाएं। घर में भी धूप की किरणें आती हैं जो कि हमारे फेस पर आती है, जो कि हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, ब्रेक हो सकती है हमारी स्किन में कुछ अलग तरीके का। एक आपने कभी कभी ध्यान दिया होगा किसी किसी के फेस पे बहुत अजीब अजीब तरीके धब्बे होते हैं, यहाँ पर धब्बे अजीब तरीके, बहुत ज़्यादा लाइट होगा स्किन या एक कहीं कहीं में बहुत ज़्यादा डार्क होगा, तो ये सन बर्न की वजह से, यूवी ए रेज जो होती है उसकी वजह से ही होती है। तो प्लीज़ सनस्क्रीन लगाना ज़रा भी स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर जो ये गुड वाइब्स की सनस्क्रीन है, इसका जो प्राइस मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसका जो प्राइस है वो है 215 रुपये। मतलब आप सोचेंगे कि 215 रुपये इतना महंगा सनस्क्रीन, प्लीज़ डरिएगा मत, ये purple.com पर इजीली अवेलेबल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको ये आराम से 180, 190, 175 तक भी मिल जाएगा। ये 215 लिखा है बट 215 में ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये आपको हमेशा हमेशा पर्पल पे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, तो आप पर्पल पे से ही खरीदिएगा। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइज, ओके, वरना आप लोगों को लगेगा स्पॉन्सर वीडियो है। और जो इसका नेटवर्थ है वो है 50 ग्राम, मतलब ये ट्यूब आपको 50 ग्राम की मिलती है। गुड वाइब्स है
इसका ब्रांड नेम गुड वाइब्स है, SPF 30 PA++ UVB और UVA, मतलब ये दो तरह की जो UV रेस होती है, सन की जो रेस होती है जो डायरेक्ट हमारी स्किन पे जाके हमारी स्किन डैमेज कर सकती है उससे ये प्रोटेक्ट करता है UVB और UVA। और इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि मैंने बता दिया, कुकुम्बर है, जोजोबा है, एलोवेरा है, ग्रीन टी, इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये जो करता है, ये क्रीम लगाने के बाद हमारी स्किन सन ब्लॉकिंग से, एंटी एजिंग से और स्किन प्रोटेक्शन से बचाती है सन, मतलब ये क्रीम लगाने के बाद। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो टोटल 3 ईयर्स है, मतलब जब आप इसे परचेज करेंगे 2 to 3 ईयर्स ये आपको स्टे करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये हो गई इसकी रिव्यू की बात, ये हो गई इसकी प्राइसिंग, नेटवर्क। अब इसकी बात करते हैं कि मैं लगा रही हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैंने जब से इसे लगाना स्टार्ट किया है तो मैं बोलूँगी मैंने लैक्टोगैलामान नहीं लगाया, मतलब मैंने उसे स्किप कर दिया और वो वैसे ही पड़ा है। मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ बिकॉज ये जो है वाइट कार्स नहीं छोड़ता है, ऑयली नहीं होती स्किन और बहुत ही मतलब आराम से आपकी स्किन पर ऑब्जॉर्ब हो जाता है। अभी भी मैंने इसे लगाया है, उसके बाद ही मैंने मेकअप किया है, तो आप सी करिए, आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पे कहीं पर भी आपको वाइट कार्स कैमरे में तो एग्जैक्ट दिखाई नहीं देगा। मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला भी बताऊँगी, मतलब बहुत सारे आप देखेंगे कि होते हैं जो सनस्क्रीन वो वाइट कार्स छोड़ते हैं या फिर ऑयली होते हैं, आपकी स्किन में बहुत जल्दी ऑब्जॉर्ब नहीं होते, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, तो इस तरीके की जो सनस्क्रीन होती है वो थोड़े सी प्रॉब्लमेटिक होती है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बता दूँ। मुझे इसकी ट्यूब जो आप कह सकते हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, तो आराम से आप देख सकते हैं इसकी ट्यूब कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से इसकी ट्यूब है, सी कुछ इस तरीके से इसकी, मतलब आराम से ये कैप बंद हो जाएगी, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली भी है, कहीं भी आप इसे कैसे भी रख दें ये निकलेगा नहीं प्रोडक्ट इसके अंदर से। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का इसका ट्यूब है, यहाँ से इसको ओपन किया, उसके बाद मैं अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूँ। सी ये मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया इसका, उसके बाद आप देखेंगे कि ये किस तरीके से ये मेरी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाता है। ये आपको वाइट कार्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, ऑयली भी बिल्कुल नहीं है। आप इसे अच्छी, मतलब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप सनस्क्रीन लगाते हैं ना और उसके ऊपर आपको मेकअप करना है तो आप बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में मत करिएगा, क्योंकि सनस्क्रीन को थोड़ा सा आप 10 to 15 seconds टाइम दीजिएगा उसे ऑब्जॉर्ब होने के लिए, उसे अच्छी तरीके से अपनी स्किन पर, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसे टाइम दीजिएगा उसे ऑब्जॉर्व करने, क्योंकि सनस्क्रीन क्या है ना वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा सन से। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उसे घाई घाई में नहीं लगाना है, बहुत ही आराम से लगाना है, जिससे सी गाइज यहाँ पर जो है ये मेरी स्किन पर पूरी तरीके से ऑब्जॉर्ब हो चुका है। आप मेरी दोनों स्किन में फ़र्क देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सनस्क्रीन लगाए, बिल्कुल भी वाइट कार्स इसने नहीं छोड़ा है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, ऑयली भी नहीं है और बहुत ही मतलब आपकी स्किन में फटाफट से ऑब्जॉर्ब हो जाता है। और इसकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में इसे लेना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई कोई सनस्क्रीन होते हैं जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता है, पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला ही कुछ अलग टाइप का है, तो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में इसे लेना है, इतना सा ही लेना है। मैंने इसे लिया था दो टाइम की क्वांटिटी में लिया था, लेकिन फिर भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये मेरी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो चुका है। ये देखिए मैंने इसे लगाया था यहाँ पर, ये मेरी नॉर्मल स्किन है जिसपे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, तो आप देख सकते हैं ये कितनी आसान से, ये कितनी आराम से मेरी स्किन पर ऑब्जॉर्ब हो चुका है, ऑयली नहीं है, वाइट कार्स नहीं है। तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है purple.com पर, इजीली अवेलेबल है आई थिंक अमेजोन पर भी, सबका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक करिएगा। तो होप सो आप लोगों को मेरे रिव्यू अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसका जो प्राइसिंग है जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, इसकी प्राइसिंग जो आपको इजीली पर्पल पे 190-175 तक भी मिल जाएगा, जो कि ऑफर्स में हमेशा मिलता रहता है purple.com पर, तो आप अपने लिए ज़रूर चेक करिएगा। मेरे लिए प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा वर्क किया है और होप सो आप लोगों के लिए भी करेगा। तो मेरा ये रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आप अफोर्डेबल में और अच्छे प्राइस में और बहुत ही अच्छा जो आपकी स्किन को प्रोडक्ट
प्रोटेक्ट करे सन बर्न से, यूवी रेस से, यूवी ए यूवी बी रेस से आपको बचाए, सन प्रोटेक्ट करे, एसपीए 30 ए प्लस 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 पीए प्लस प्लस है। इसमें एक और आता है गाइस जो कि है एसपीए 50 प्लस 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 पीए प्लस प्लस प्लस, जो कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा। बट मैंने फिलहाल एसपीए 30 मैंने परचेज किया, जब ये मेरा फिनिश हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली एसपीए 50 भी परचेज करूँगी। तो वहाँ पर दो ऑप्शन है, एसपीए 50 लेना है आपको या एसपीए 30 लेना है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एसपीए 50 जो है बहुत ज़्यादा और अच्छा वर्क करेगा, ये भी अच्छा वर्क करता है पर वो उससे और ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और सनस्क्रीन लगाने से आपकी जो फेस है वो सन बर्न से बचेगी, एटलीस्ट 4 to 5 hours के लिए आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, एंटी एजिंग से बचाएगी आपकी स्किन, लटकने से भी बचाएगी, उम्र से पहले स्किन आपकी ख़राब ना दिखे, आप एज से पहले एजेड ना लगे। तो इसलिए सनस्क्रीन मस्ट है, लगाइए, मैन वुमेन सबके लिए कंपलसरी है, तो सनस्क्रीन ज़रा भी स्किप ना करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, बाय बाय।